दोस्तों वन पीस का जो नया एपिसोड था मतलब 1119 एपिसोड, इस एपिसोड के फर्स्ट हाफ में जो हम लोगों को दिखाया गया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसका जो सेकंड हाफ था वो उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इसके फर्स्ट हाफ में जो हम लोगों को रिवील देखने को मिला है, एज अ मांगा फैन मैं तो खुश हो गया यार। जो फर्स्ट हाफ में हम लोगों को किंग कोबरा और इमू का कन्वर्सेशन देखने को मिला है, हाँ दोस्तों कन्वर्सेशन देखने को मिला फाइनली। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इमू का वॉइस हम लोगों को कब सुनने को मिलेगा। जो हम लोगों को पिछले एपिसोड में सुनने को मिला था उसने सिर्फ एक वर्ड बोला था, लिली। अब ये लिली कौन है आप लोगों को पता है, निफ्तली लिली की बात हो रही है यहाँ पे, जो एलाबेस्टा की पहली क्वीन थी। लेकिन इस एपिसोड के अंदर जो बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है वन पीस के अंदर कि डी का मतलब क्या है, वो हम लोगों को पता नहीं चला। जो लोग समझ रहे थे कि डी का पता चल जाएगा, नहीं चला वो। लेकिन उसके बदले में हमारे जो इमू सामा है वो हम लोगों को डी लोग उसके लिए क्या है उसका जस्टिफिकेशन दिए, और उसने ये बोला कि डी लोग ऐसे लोग थे, मतलब मंकी डी, लूफी, गोल्डी, रॉजर, जो भी डी है वन पीस के वर्ल्ड के अंदर, वो सारे लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपोज किए थे एक टाइम पे, और ये अपोजिशन चालू हुआ था जब लिली थी। जो पोने ग्लिफ्ड हम लोगों को देखने को मिलता है, जो एक रास्ता है गोल्डी रॉजर के लाफ्टेल पे पहुंचने का, उस पोने ग्लिप जो वन पीस के वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ बिखरा हुआ है, उसका जो प्राइम रीजन है वो है लिली की वजह से। मतलब लिली ने सब पोने ग्लिप के साथ कुछ ना कुछ तो किया है, इसीलिए लिली इतनी ज्यादा पॉपुलर है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी यही बोला यहाँ पे। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ नहीं था इस एपिसोड के फर्स्ट हाफ में। जो पहला 8 मिनट था उसके अंदर हम लोग को और भी बहुत कुछ दिखाए गए, जैसे कि हम लोगों को ये दिखाया गया कि एलाबेस्टा में डी लोग एग्जिस्ट करते हैं, और जिन लोगों को हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं वो सारे लोग डी हैं, मतलब नेफ्तरी डी लिली, नेफ्तरी डी कोबरा, सारे लोग डी को पॉजेस करते हैं, इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले एलाबेस्टा को इतना ज्यादा हेट करते हैं, ये हम लोगों को एपिसोड के अंदर दिखाया गया। और इसके बाद क्या होना था वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, जैसा कि हम लोगों को न्यूज में सुनने को मिला था कि साबो ने कोबरा को मारा था। लेकिन इस एपिसोड के अंदर ये रिवील हो जाता है कि साबो ने नहीं, निफ्तरी कोबरा को मारा है इमू सामा ने अपने पंखों का यूज करके, पंखों नहीं बोलूंगा, वो जो काला जो उनके ऊपर चद्दर है ना उसका यूज करके उसने मार दिया कोबरा को। और इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया गया गोरोसे को। आप लोगों को पता है जो लोग मांगा रीडर्स हैं, मांगा के अंदर तो गोरोसे का जो ट्रू फॉर्म है वो तो देखने को मिल ही गया है, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को गोरोसे के ट्रू फॉर्म का थोड़ा सा शैडो देखने को मिला, जो उतना कन्विंसिंग नहीं था जैसा कि मैं सोच रहा था। लेकिन फिर भी इस एपिसोड के अंदर इमू ने जितना बात किया है ना, मैं बहुत खुश हो गया। अब बहुत लोग ये भी आके बोलेंगे कि इमू लड़की है कि लड़का है, या वो जो वाला फोटो वायरल हुआ था इमू का, या वही इमू है। बहुत सारे ठरकी लोग तो वही सोच रहे होंगे कि वही इमू है, आप लोग वही चाहते हैं ना। अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता, अभी हम लोगों को ओडा ने कुछ नहीं बताया इमू के असली शरीर के बारे में, लेकिन मैं भी वही चाहता हूँ, अगर वो फोटो हो जाए इमू ना तो सिंपिंग तो होगी भाई। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ये भी चीज़ दिखाया जाता है कि वहाँ पे साबो था, और साबो ने पूरी कोशिश किया यहाँ पे कोबरा को बचाने के लिए, लेकिन कोबरा ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि साबो ही एक है जो लूफी के साथ यहाँ पे आ सकता है, और रिवोल्यूशनरी आर्मी ऐसी आर्मी है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को रोक सकता है। तो ये था फर्स्ट हाफ, और जैसा कि मैंने बताया सेकेंड हाफ उतना कन्विंसिंग नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, और वो नहीं था क्योंकि सेकेंड हाफ के अंदर हम लोगों को बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ दिखाई गई, जैसे कि साइफर बोल वाला सीन हम को दिखाया गया, जैसे कि हम लोग को वापुल वाला सीन दिखाया गया। हाँ दोस्तों और एक चीज, तो ये जो सीक्रेट है, जो एम्प्टी थ्रोन पे इमू बैठा हुआ है और गोरोसे किनको लाइक वर्शिप करते हैं, ये सारे चीजें तीन लोगों को पता है वन पीस के अंदर, और वो तीन कौन है, एक है साबो, एक थे कोबरा जो मर गया, और एक है यापोल जिसने छेद की मदद से उन लोगों को देख लिया, और उसने ये भी देख लिया कि कोबरा को किसने मारा है। तो वापोल ही ऐसा बंदा है जिसको आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब रेवोल्यूशनरी आर्मी को छोड़ के,
इमुसामा और गोरोसे के ट्रू फॉर्म के बारे में पता है। ये बहुत ज्यादा हिलेरियस है और जब वो भाग रहा था ना वो सीन भी देखने में बड़ा मजा आ रहा था यार। और उसके बाद हमारी प्यारी सी बीबी को दिखाई गई जो बंदी हुई है साइफर पोल के साथ, लेकिन बीबी ने अपना दिमाग चलाया यहाँ पे। जो एंडिंग में हम लोगों को दिखाया गया बीबी ने दिमाग चला के वापोल के मुंह में घुस के, मुंह में वैसे नहीं घुस के, मुंह में घुस के वो वहां से भाग गई और वो ये बोली कि तुम जहां पे जाओगे हम भी वहीं पे जाएंगे। और दोस्तों एपिसोड के अंदर एक और भी शॉकिंग चीज दिखाई गई कि वापोल की भी बीबी है। और क्या क्या देखने को मिलेगा यार, मतलब ये जो बंदा है वापोल उसकी भी बीबी है। और वो जब बीबी को मुंह में लेके भाग रहा था, मुंह में वैसे नहीं लेके वैसे लेके भाग रहा था, तो उसकी बीबी बहुत ही जेलस हो गई कि ये मेरा बंदा क्या कर रहा है। और इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया वन पीस का जो ये एपिसोड था फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा था, सेकंड हाफ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड के अंदर हम लोग को और भी बहुत सारे सीक्रेट देखने को मिलेंगे। और जो लोग इमुसामा का वॉइस मांग रहे थे उन लोगों को तो ऑर्गेज्म आ गया होगा क्योंकि यही सबसे ज्यादा टाइम इमु शायद वन पीस के अंदर बोल रहा है, तो उन लोगों को तो अच्छा लगा ही होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इमुसामा के वॉइस से ऑर्गेज्म मिल चुका है तो वीडियो को भी थोड़ा लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के, तब तक के लिए जय हिंद।